अमृतसर के सांसद सरदार गुरजीत सिंह औजला की ओर से अचानक अमृतसर के गुरु नानक देव हॉस्पिटल में लोगों का हालचाल पूछने के लिए छापेमारी की गई। वहां कुछ मरीजों की ओर से शिकायत पर तीन ऐसे युवकों को पकड़ा गया जो उनको जबरन अपनी दुकान से दवा लेने के लिए मजबूर कर रहे थे। वहीं सरदार गुरजीत सिंह औजला की ओर से उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये सिलसिला यहां पर नहीं रुका तथा सांसद सरदार गुरजीत सिंह औजला की ओर से सारे गुरु नानक देव हॉस्पिटल का दौरा किया गया जिसमें बहुत ही खामियां पाई गई। वहीं सांसद सरदार गुरजीत सिंह औजला ने कहा कि वह इसकी शिकायत पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन सरदार अमरिंदर सिंह, पंजाब के सेहत मंत्री तथा विजिलेंस को करेंगे और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं जो मेरे को बनता सी जे कोई गलत काम होता तो मैं पुलिस को देता कि तुम वेरीफाई करो इस चीज़, क्योंकि इतने शिकायत मिलियाँ कि हाथ चों जो पर्चियां खोह के लै जाते वो पर्चियां अपनी दुकान के मरीज नूं बाहर उठा के लै जांदे आ। तुहाडे को बाहर दुकाना ने जिहड़ा मर्जी तुहाडे को आवे, जिहड़ा मर्जी उन्हों मतलब उत्थों चीज़ लवे, जिहड़ी मर्जी दुकान पर जाए। यह नहीं होना चाहिए कि तुम मरीजों को बैडां तों चक के लै जाओ, उन्होंने बंद तो पर्चियां खो के लिया जो एक गलत गल। तीन बंदे असी फड़े, वो भी असी नहीं फड़े, जो मरीज से उन्होंने कहा उन्होंने फड़ के लिया असी वेरीफाई करते, असी पुलिस को फोन किया, SHO आ गए उन्होंने साढ़े तो लै गया, उन्होंने कहा कि वेरीफाई कर। और यह जी जी वारदात आ इस गुरु नानक देव हॉस्पिटल के अंदर नहीं होनी चाहिए। जिन्हें किसी ने कोई दवाई लैनी बाहर जाके जितों मर्जी लवे। गुरु नानक देव जी की छवि की खराब होनी, ये लोगों की मत मारी है। मैं तो समझ सकता है क्योंकि इन्हों ये नहीं समझ आता कि ना के बैनर के हेठ यह हॉस्पिटल चल रहा तो उत्थे की खिलवाड़ कर रहे हैं। ये अपने परिवार भी खिलवाड़ कर रहे हैं क्योंकि सानू तो धोखा दे सकते तो परमात्मा को कितों देंगे। जे आज जो कुछ इतने कर रहे हैं ये रब ना भी खिलवाड़ करने वाला काम आ। और ये बिल्कुल साजिश आ, ये एक नैक्सस है बहुत वड्डा इतने हॉस्पिटल के अंदर, और ये नैक्सस तोड़ांगे। ये CM साहब का भी वादा आ और साड़ी सरकार का वादा है, और मैं तो खुद इस चीज़ को पसंद करदा कि जी पब्लिक दीयां चीज़ां ने, पब्लिक सर्वेंट आ असीं, पब्लिक नूं एक नौकर की तरह उन्होंने डील करो, असीं उन्होंने दित्तियां पदवियां ते असीं बैठे। देखो मैं उही चीज़ डॉक्टर नूं कही है कि देखो गल्लां छोटियां जिहियां, तुसीं पर्ची लिख के दो लैणा लिख के उन्हूं कहता 24 नंबर चले जाओ, 24 ने कहता उधर चले जाओ, अनपढ़ बंदा है, एक फार्म भरना है बस, कम कुछ नहीं गा। सामने वार्ड दूजी है, तुसीं बंदा भेजो उन्हूं कहो भी उत्थों फार्म लैके, फार्म भर के 24 नंबर चले जाए, अद्धे घंटे का काम है 15 मिनट का। उन्होंने 3 घंटे उन्होंने बेचारे को समझ नहीं आई कि मेरे च मेरा कसूर की है, मैं इस हस्पताल जा गया मेरा। सो उन्होंने फिर डॉक्टर साहब ने बह के इन्होंने नाल लैके वो मैं तो दुख इस गल का आता है कि मैं किन्ना टाइम इतने बैठा रहूँगा हस्पताल च, कि इन्हों जिम्मेवारियां अपनिया नहीं बनदियां। पर जो मैं वेख्या भी कुछ लोगों की लोहड़ी जी बेचार की माड़ी है तो क्यों ना उन्होंने गल की जाए, फिर मैं उन्होंने तुर के वाडा वेख्या, पर बहुत बुरा हाल से बिल्कुल। मैं इन्होंने दो अगे विजिट कीतियां सी, मैं क्या दो विजिट तक तुहानू यही कहण आया भी आपां दी इह सांझी संस्था आ, साडे अमृतसर शहर का यह नामवर हस्पताल आ, पर तुसीं इन्हां नूं बहुत थले लै गए जी। आपां बाकी काम छड्ड के हुण सुधर जाइए, हुण ना ये काम करिए कोई भी, पर हटदे नहीं। अज मैं सारे जिथे जिथे मैनूं मिलिया बकायदा कोई ने साल्ट नहीं लिखा, महंगीआं दवाइयां लिखियां ने बगैर, मतलब कंपनियां जिन्हां का कोई अथॉ पता नहीं उन्होंने दवाइया लिखिया ने, कोई साल्ट नहीं किसी डॉक्टर ने लिखा, कोई नहीं मानते इस गल नूं। अज मैं पूरा केस बना के मैं अपनी पार्लीमेंट्री कमेटी नूं भी देना है, मैं CM साहब दे भेजना है, मैं ब्रह्म महिंद्रा जी नूं भेजना, मैं विजिलेंस नूं भी भेजना।